हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, डी फार्म फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके टॉप 10 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उनके बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वीडियो सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जिस भी बोर्ड या जिस भी यूनिवर्सिटी से डी फार्मा कर रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, एक्सप्लेनेशन भी आपने समझ लिया, तो आपका 70 से 80% स्कोर इस सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये क्वेश्चंस मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको वहां पर मिलेंगे 70 to 80%, जो आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। सो जैसा कि डी फार्मा के एग्जाम्स अब स्टार्ट होने वाले हैं या फिर कहीं कहीं पर तो एग्जाम्स चल भी रहे हैं, तो हमारा बेसिकली डी फार्मा फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो उसी के तहत आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए 2024 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, हर क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, काफी फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, आपको यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर लिमिट टेस्ट, गिव द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। मतलब लिमिट टेस्ट क्या होता है वो बताना है, और जो एक लिमिट टेस्ट होता है आर्सेनिक का, उसका प्रिंसिपल बताना है। बच्चा लोग, ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप किसी भी बोर्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे बीटी यूपी है, आरजीपीवी है, या फिर आरयूएचएस है, यूबीटीई है, एमएसबीटी है, ये आपके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया डी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखो भैया, जो हमारा लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जिसको बनाया ही इसलिए गया था कि जो स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में इंप्योरिटीज अगर होती हैं हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में, तो हम उनको ढूंढकर उनको कंट्रोल कर सके, यानी कि उन पर नियंत्रण, उन पर काबू पा सके, उसके लिए इन लिमिट टेस्ट को बनाया गया था। इंपॉर्टेंस की बात करें लिमिट टेस्ट की, सबसे पहला कि इंप्योरिटीज को आइडेंटिफाई करना, इंप्योरिटीज को खोजना, और दूसरा आता है कंट्रोल द इंप्योरिटीज, मतलब इंप्योरिटीज को कंट्रोल करना, उन पे काबू पाना, उन पे नियंत्रण पाना। अब बात आ जाती है कि प्रिंसिपल क्या कहता है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का। तो सबसे पहला जो लिमिट टेस्ट है आर्सेनिक का, वो टोटली बेस्ड है एक हमारे रिएक्शन पे, किसकी, आर्सेनिक गैस जो है हाइड्रोजन आयन्स के साथ जब कनेक्ट होगी तो वो येलो स्टेन्स बनाती है, किस पे, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे। क्यों, क्योंकि वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड होता है। अब एक स्पेशल अपरेटस आता है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक को परफॉर्म करने के लिए, जो कि गटजेट अपरेटस के नाम से जाना जाता है या आर्सेनिक टेस्ट अपरेटस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर्सेनिक जो प्रेजेंट होता है वो आर्सेनिक एसिड में प्रेजेंट होगा एक सिंपल एक सैंपल में, क्योंकि वो आगे जाके आर्सेनियस एसिड में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड हुआ, स्टेनस एसिड हुआ, जिंक हुआ, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ। तो आर्सेनियस एसिड फिर आगे जाके और रिड्यूस होता है आर्सीन गैस में, हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करेगा, और साथ ही साथ फिर वो जब रिएक्ट करता है मर्क्यूरी क्लोराइड से हाइड्रोजन आयन्स,
तो वो क्या करते हैं, येलो स्टेन्स प्रोड्यूस कर देते हैं, पीले पीले स्पॉट्स आ जाते हैं। तो आर्सेनिक एसिड स्टेनस एसिड के साथ रिएक्ट किया तो अर्सेनियस एसिड बना, अर्सेनियस एसिड जैसे ही हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट किया तो आर्सीन अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। तो ये बेसिकली हमारा प्रिंसिपल है एक लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का। सेकेंड क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन NSAIDs, जो आपके बेसिकली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं जिनको NSAIDs कहते हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो बच्चा लोग सबसे पहले तो हम बताएंगे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स होते क्या है। ये वो ड्रग्स होती हैं जो इंफ्लामेशन को, यानी कि जो बेसिकली एक तरीके से स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, सूजन आ जाती है और जो दर्द होता है हमारी बॉडी में, पेन होता है, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं को एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स कहते हैं। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, हाइड्रोकॉर्टिसोन और कॉर्टिसोन, ठीक है, इनको हम मोस्ट कॉमनली जनरली इन्हें ही यूज करते हैं एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स के तौर पे, लेकिन इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स NSAIDs, इनको हम बेसिकली इंफ्लामेशन को यानी कि दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके एज सच कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, जैसे कि अगर स्टेरॉयड थेरेपी होगी तो ये ड्रग्स कौन कौन सी है, एक तो हम बेसिकली इन्हें अर्थराइटिस में यूज करते हैं, रियूमेटिज्म में यूज करते हैं, ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस में यूज करते हैं और साथ ही साथ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक ड्रग है हमारा मोस्ट कॉमन एंटी इंफ्लामेटरी, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी, वो है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का जो बेसिकली हमारा स्ट्रक्चरल होता है वो बेसिकली आप सामने देख सकते हैं, इस तरीके का होगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन हाइड्रोस्कोपिक पाउडर, हाइड्रोस्कोपिक पाउडर मतलब जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके अंदर नमी आ सकती है, वो हाइड्रोस्कोपिक पाउडर है, ठीक है। साथ ही साथ पानी में स्लाइटली सॉल्यूबल है, इतना आसानी से पानी में डिजोल्व नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका 142 डिग्री सेल्सियस होता है और ये डीप वायलेट कलर प्रोड्यूस करेगा जैसे ही फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोलाइसिस के बाद, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें कि इसे हम यूज क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला एक तो एंटीपायरेटिक है, मतलब जो बेसिकली फीवर को रिड्यूस करेगा, फीवर को कम करेगा। दूसरा एंटी रूमेटिक है, रूमेटिज्म में यूज करेंगे, साथ ही साथ एंटी थ्रोम्बोलाइटिक भी है, वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। स्टोरेज की बात करें तो बच्चा लोग हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी ड्रग्स हैं वो आपने देखी ही है कि इनको हम वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में पैक करके रखते हैं और साथ ही साथ इसको हम जो है बेसिकली मॉइस्चर से भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, मॉइस्चर से भी प्रिवेंट किया जाता है। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो एस्पिरिन की टैबलेट्स आती हैं, डिस्पोजेबल टैबलेट्स भी आती हैं। ब्रांड नेम्स मार्केट के अंदर इमिप्रिन, मिनिप्रिन, एक्प्रिन, बेयर प्लस एटसेट्रा, बहुत सारे नाम है एस्पिरिन ड्रग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं वो हमें यहां पर डिस्कस करना है। सबसे पहला हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स वो एजेंट्स हैं, ये वो ड्रग्स होती हैं जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में काम आती हैं। जब ब्लड शुगर जनरली हमारा बढ़ जाता है, और वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो रही है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटस है, एक ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोसूरिया या हाइपरलिपिडेमिया जैसी कंडीशंस हो जाती है। ये कब होता है, या तो इंसुलिन बनना बंद हो गया है या फिर वो इंसुलिन कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अभी जिक्र हुआ था डायबिटीज मेलाइटस का, ठीक है, तो ये दो टाइप के हैं। सबसे पहला होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट। जो इंसुलिन सेक्रीशन है वो इतना पुअर हो जाता है इस कंडीशन में कि पेशेंट्स को इंसुलिन देने पड़ते हैं। और दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, NIDDM। यहां पर इंसुलिन सेक्रीशन जो है भले ही पुअर हो जाए या नॉर्मल या हाई हो जाए, लेकिन उसकी एक्टिविटी डिमिनिश्ड नहीं होती, ठीक है।
एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स है, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन पेशेंट्स को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स देते हैं तो वो नॉर्मल रहती है शुगर, ज्यादा कोई अप एंड डाउन नहीं होता। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला है पेरेंट्रल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जैसे इंसुलिन और उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की बात करें तो सबसे पहला आता है सल्फोनिन यूरिया, जैसे टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, एसिटो हेक्सामाइड, टोलाजामाइड और ग्लाइबेनक्लामाइड। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं ट्रिक TCATG, ठीक है, TCATG, तो मतलब टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, एसिटोहेक्सामाइड, टोलाजामाइड और ग्लाइबेनक्लामाइड। बिगनवाइड्स भी एजेंट्स हैं हमारे, जिसमें हम फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन ड्रग यूज करते हैं। क्या? फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन ड्रग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, मतलब वो ड्रग्स जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं, उसके बारे में बताना और क्लासिफाई करना। सबसे पहला जो हमारे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं, मतलब सिंपल फॉर्म में याद रखना, वो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं। कैंसर एक ऐसे डिजीज है जहां पे जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है वो जो है बेसिकली बढ़ता हुआ चला जाता है एकदम रैपिडली, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो भी जो है डीअरेंज हो जाते हैं, वो भी ठीक से नहीं हो पाते। कैंसर आपका मैलिग्नेंट हो सकता है, मतलब हार्मफुल यानी कि खतरनाक, या फिर बेनिन मतलब कि हार्मलेस हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में यानी कि कैंसर के उपचार में जो दवाइयां, जो ड्रग्स हम यूज करते हैं उनको एंटी कैंसर ड्रग या एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला आता है एल्काइलेटिंग एजेंट्स, जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, साइक्लोफॉस्फामाइड हुआ और क्लोएम्ब्यूसिल हुआ और आइफोसामाइड हुआ। तो इसको याद रख लेना CIC से, ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफोसामाइड और क्लोएम्ब्यूसिल। फिर आता है एल्काइल सल्फोनेट, तो बीडी होती है ना, तो ब्यूसल्फेन और डीकार्बाज़ीन। उसके बाद आते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, तो इसके अंदर फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट में हम मेथोट्रेक्सेट यूज करते हैं, प्यूरीन एंटागोनिस्ट में 6-मरकैप्टोप्यूरीन और एजाथायोप्रीन। तो इसको आप MA से याद रखना, मरकैप्टोप्यूरीन और एजाथायोप्रीन। उसके बाद आते हैं पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट पे, जैसे 5-फ्लोरोयुरेसिल। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे विनका एल्कलॉइड्स, तो V-स्क्वायर, यानी कि V-स्क्वायर का मतलब विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्कस एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। अब एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले जो हम इसके अंदर लिखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के अंदर, ये जो है बेसिकली ब्लड प्रेशर को एक्सप्रेस करते हैं हम, किसमें, एक तो एट्रियल सिस्टोलिक में और एक डायस्टोलिक प्रेशर में, यानी कि ऊपर का बीपी सिस्टोलिक, नीचे का बीपी हमारा डायस्टोलिक। तो जो एक वैल्यू है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी की रिपीटेड एग्जामिनेशंस पे, अगर वो 140/90 mmHg से जो है ज्यादा जाती है तो दैट मींस कि वो इंसान एक हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है। हाइपरटेंशन का मतलब जहां पर ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली नॉर्मल से बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। अब एंटी हाइपरटेंसिव वो एजेंट्स होते हैं जिन ड्रग्स को, जिन एजेंट्स को हम ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन कंडीशन के उपचार में इस्तेमाल करते हैं, वो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स कहलाते हैं। जैसे प्रोप्रेनोलॉल होता है, ये आपका एक नैप्थलीन डेरिवेटिव ड्रग होता है, जैसा कि आप सामने जो है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें, सफेद रंग का, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, पानी में जो है डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूबल है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 163 से 166 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पर यूजेस की बात करें तो हाइपरटेंशन यानी कि जहां पर हाई बीपी हो जाता है, क्या हो जाता है, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके ट्रीटमेंट में यूज होगा। कार्डियक अरिथमिया कंडीशन में, जब नॉर्मल हार्ट बीट्स नहीं होती है तब, साथ ही साथ मायोकार्डियल इंफेक्शन में भी आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। फॉर्मुलेशंस की बात करें, प्रोप्रेनोलॉल की टैबलेट्स भी आती हैं और इंजेक्शंस भी आते हैं। ब्रांड नेम्स की बात करें तो हेमेंजियोल और
इंडरल इसके अंदर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज। क्या व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज। बच्चा लोग किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जो ये क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से पढ़िएगा और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आप मॉडल पेपर्स जो है बेसिकली ऑर्डर कर सकते हैं, फार्मेसी इंडिया के डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए ही स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। 5 मॉड्यूल्स हैं, हर एक मॉडल पेपर के अंदर आपको 3 सेट मिलेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में बनाए गए हैं। उसको ऑर्डर करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि सोर्सेस क्या होते हैं इंप्योरिटीज के, मतलब अशुद्धियां कैसे पहुंच सकती हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। तो जो सोर्सेज हैं, सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल, जो कच्चा सामान होता है जैसे ओर्स या मेटल्स। उसके बाद है रिएजेंट्स या सॉल्वेंट जो हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जैसे अमोनिया यूज किया, सोडियम क्लोराइड यूज किया एटसेट्रा। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे यूज करते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड हुआ या आयोडीन हुआ एटसेट्रा। कुछ एटमोस्फेरिक कंडीशन भी हैं जिनकी वजह से इंप्योरिटीज चली जाती हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, और अगर फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बन के आया उनकी स्टोरेज ही डिफेक्टिव है, उसकी स्टोरेज में डिफेक्ट है, तब भी इंप्योरिटीज जा सकती हैं। और अडल्टरेशन यानी कि कोई मिलावट, ठीक है, तो इसकी वजह से भी इंप्योरिटीज जा सकती हैं हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। ठीक है बच्चा लोग, तो ये है सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज ये आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन इट। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है और इसके वेरियस स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्वड होते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमारा टोटली बेस्ड है जहां पर आयंस एलिमेंट्स या रेडिकल्स का एक प्योर स्टेट में कन्वर्जन होता है और उसके बाद वो एक स्टेबल कंपाउंड में जो है बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद जो है उसमें चले जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर आप उसका डायरेक्टली उसका वे यानी कि वजन कर सकते हैं और क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं। ये जो है बेसिकली कन्वर्ट होते हैं इनसॉल्युबल कंपाउंड्स में, जिनको हम फिर फिल्टर करेंगे, फिर उसके बाद उनको वॉश करते हैं, धोते हैं, जिससे कि जो इंप्योरिटीज चिपक चुकी होंगी उनसे वो अलग हो जाए। अब इसके अंदर जो हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, सबसे पहला है प्रेसिपिटेशन, उसके बाद होता है फिल्ट्रेशन। पहले भाई आपने जो है बेसिकली प्रेसिपिटेट किया, उसके बाद फिल्ट्रेट करेंगे इंप्योरिटीज निकालने के लिए, फिर धोएंगे, वॉश करेंगे, कुछ अगर इंप्योरिटीज चिपकी होंगी तो वो अलग हो जाएंगी, फिर आप उसको सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, उसके बाद फिर आप उसको इग्नाइट करेंगे, हीट करेंगे, जिससे कि और थोड़ी बहुत जो इंप्योरिटीज हो वो भी चली जाए। उसके बाद फिर आप उसका वजन करेंगे, वे करेंगे, एंड देन फिर कैलकुलेशन करेंगे, उसकी क्वांटिटी का पता लगाएंगे, किसका, उसकी क्वांटिटी का। ठीक है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और बता देता हूं, कभी कभार लिमिटेशंस पूछ लेते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की। तो सबसे पहला है एक जो स्मॉल अमाउंट में प्रेसिपिटेट होता है वो थोड़ा बहुत जो है आपका वॉशिंग के टाइम पे डिजॉल्व हो जाता है उसी में। ठीक है, नेक्स्ट है इंप्योरिटीज जो प्रेजेंट होती है सैंपल में वो भी आपकी इनसॉल्युबल कंपाउंड्स में तब्दील होने की, कन्वर्ट होने की क्षमता रखती है। ठीक है, हमारे पास ऐसे बहुत कम डेरिवेटिव्स हैं जो क्वांटिटेटिवली सॉल्युबल होते हैं। और लास्ट पॉइंट कहता है ये प्रोसीजर जो है बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, काफी समय लेगा और जो है बेसिकली काफी दिमाग पच्ची इसमें करनी पड़ती है और समय तो बहुत ज्यादा लगता ही लगता है, कॉम्प्लिकेटेड तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफाइन टाइट्रेशंस एंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइट्रेशन। बच्चा लोग सबसे पहले तो टाइट्रेशंस को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को टाइट्रेमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं क्योंकि जो एक रिएजेंट है यानी कि टाइट्रेंट वो धीरे धीरे या फिर स्टेप वाइज एनालाइट में ब्यूरेट से जो है बेसिकली डाला जाता है। ठीक है, अब जो हमारा बेसिकली इसको करने के पीछे का तात्पर्य है एक सक्सेसफुल टाइट्रेमेट्रिक एनालिसिस के लिए, वो ये है कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा टाइट्रेशन का, वो पॉइंट जहां पर दो रिएक्टिंग स्पीशीज आगे जाकर के
इक्विवेलेंट हो रही हैं सेम क्वांटिटीज में, तो आपको वो जो है ऑब्जर्व करना होता है। कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गया? उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, जहां पर हम एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन सॉल्यूशन, वो आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी कि टाइट्रेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन में यही लिख के आना, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ नॉन सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइट्रेशन। अब जो क्लासिफिकेशन है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का यानी कि टाइट्रेशंस का, वो पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, फिर है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो ये पांच कैटेगरीज है हमारी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशंस की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्कस इन डिटेल अबाउट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में बताना है। एंटीसाइकोटिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारे सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट में यूज होते हैं साइकोटिक कंडीशंस में, जैसे मेनिया हुआ, सिजोफ्रेनिया हुआ, या बिहेवियर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं छोटे बच्चों में या एडल्ट्स में। मतलब जब दिमागी संतुलन मेंटल स्टेटस बिगड़ने लगता है उन कंडीशंस में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को यूज करते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें एंटीसाइकोटिक्स की, सबसे पहला है फिनोथायाजीन, जैसे क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद है ब्यूटायरोफिनोन्स जैसे हेलोपेरिडॉल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थायोजेंथिन्स पे, थायोजेंथिन्स जैसे थायोथिक्सिन होता है। उसके बाद आते हैं बेंजामाइड्स पे जैसे सल्फ्यूराइड होता है, और बेंजीसॉक्साजोल्स जैसे रिस्पेरिडॉन होता है। ठीक है बच्चा, लोग सामने से मैं हट गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ये है हमारा क्लासिफिकेशन एंटीसाइकोटिक्स का। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन बताना है। तो एंटीबायोटिक्स ये वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स या सिंथेटिक डेरिव प्रोडक्ट से उनको बनाते हैं। ये क्या काम करते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, या फंगाई हुआ, ठीक है, या पैरासाइट्स हुए, तो उनके ट्रीटमेंट में उनको डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। एंटीबायोटिक्स हमारे बेसिकली यूज्ड किए जाते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एक्सेट्रा, इनसे जो बीमारियां लगती हैं, ठीक है, इनके ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं कौन? एंटीबायोटिक्स। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चा लोग, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे बेंजाइल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन होते हैं जैसे फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिल हुआ, ठीक है, एम्पेसिलिन हुआ, क्लोक्सासिलिन हुआ, कार्बेनिसिलिन हुआ। तो इसको आप याद रख सकते हो पैक से, कैसे? पैक से, पी से फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, एम्पेसिलिन, सी से क्लोक्सासिलिन, नेक्स्ट सी से कार्बेनिसिलिन। फिर आते हैं सिफेलोस्पोरिन से, तो सी स्क्वायर यानी कि सिफेलेक्सिन और सिफेलोरिडिन, ठीक है। उसके बाद आते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड से, तो इसको याद रखना एसएनजी, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, एन से नियोमाइसिन और जी से जेंटामाइसिन। वहीं पर टेट्रासाइक्लिन्स को याद रखना टॉड से, कैसे? टॉड यानी कि टी से टेट्रासाइक्लिन, ओ से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डी से डॉक्सीसाइक्लिन। मैक्रोलाइड्स में आते हैं एरिथ्रोमाइसिन, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स में आते हैं बेसिट्रोसिन, पॉलीन्स में आते हैं NA यानी कि नॉन अटेम्प्ट, यानी कि N से निस्टाटिन और A से एम्फोटेरिसिन। वहीं पर दूसरे अदर एंटीबायोटिक्स होते हैं क्लोरमफेनिकॉल, ग्रीसियोफिल्विन और हेमाइसिन, ठीक है। तो ये थे हमारे बेस्ट 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चंस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए, जो कि इस साल हमारा 2024 में होने वाला है। और बच्चा लोग, इन क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी। ये क्वेश्चंस आपसे 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में जरूर पूछे जाएंगे, ये मेरा दावा है। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद है।
आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही साथ डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, उसके माध्यम से आप फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ऑर्डर कर सकते हैं मास्टर नोट्स जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ और डी फार्मा में पढ़ना हुआ और भी आसान, क्योंकि फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।